कहा जाता है कि एक दुर्घटना सिर्फ दुर्घटना होती है, लेकिन अगर दुर्घटनाएं एक से ज़्यादा हो जाए तो वे कई शक सुबहों और आशंकाओं को पैदा करती है। अगर एक जैसी दो दुर्घटनाएं हो जाए तो वे नई सावधानियों और व्यवस्थाओं का कारण बनती है। दो दिन पहले इथियोपियन एयरलाइंस की भीषण विमान दुर्घटना के बाद यही हुआ है। कंपनी के बोइंग 737 मैक्स विमान की जिस समय दुर्घटना हुई, इसमें चालक दल समेत 157 लोग सवार थे। अदीस अबाबा के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही विमान के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों व विमान चालक दल में से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। यात्रियों में 4 भारतीय भी थे। 6 महीने पहले भी बोइंग के 737 मैक्स विमान की एक इतनी ही भीषण दुर्घटना हुई थी। अक्टूबर महीने में इंडोनेशिया के जावा में लायन एयर का यह विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तब उसमें यात्रियों समेत कुल 189 लोग सवार थे। समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान में भी किसी को नहीं बचाया जा सका था। लायन एयर का यह विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जांच एजेंसियां अभी भी यह जानने की कोशिश कर रही है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस बीच इथियोपियन एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना के बाद शक की सुई बोइंग की तरफ भी मुड़ने लगी है। एक आशंका यह उभर रही है कि कहीं इस विमान की तकनीकी खामी ही तो दुर्घटना का कारण नहीं है। दुनिया की तमाम एयरलाइंस और कई देश इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। चीन ने तो अपने देश में तमाम विमानन कंपनियों को इस विमान का इस्तेमाल रोकने को कहा है। भारत ने भी अपनी सभी एयरलाइंस से यह जानकारी मंगाई है कि इस विमान का उपयोग कहां कहां हो रहा है। सतर्कता की ऐसी ही खबरें बाकी तमाम देशों से भी आ रही है। बोइंग 737 मैक्स की गिनती इस बाजार के आधुनिकतम विमानों में होती है। 2 साल पहले लॉन्च हुए अमेरिकी कंपनी बोइंग के इस नवीनतम मॉडल को लेकर यह दावा किया जाता रहा है कि हवाई सफ़र का यह सबसे सुरक्षित विमान है। शायद इसलिए पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ी संख्या में इसे खरीदा भी गया। बताया गया कि इस मॉडल के लिए कंपनी को अभी तक 5,000 से ज़्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं, लेकिन आपूर्ति अभी तक 350 विमानों की ही हो सकी है। चिंता भी इसलिए बढ़ी है कि इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम भारत को ही ले तो पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ
जिस तेजी से घरेलू हवाई यातायात बढ़ा है, तमाम कंपनियों ने नए विमान खरीदे हैं। इसलिए संभव है कि बड़ी संख्या में ये विमान भारत में भी इस्तेमाल हो रहे हो। यह ठीक है कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि दुर्घटना के सिर्फ दो ही मामले सामने आए हैं। विमान के इस मॉडल विशेष को लेकर शक और आशंका की ताज़ा चिंता का सबसे बड़ा कारण है तकनीकी खामी के अलावा विमान दुर्घटना, मौसम और मानवीय गलती तक कई कारणों से हो सकती है। इसलिए अभी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसी कि उम्मीद थी, बोइंग कंपनी तकनीकी खामी की बात से इनकार कर रही है। इस तरह की आशंकाएं और उन पर चर्चा भी जरूरी होती है, क्योंकि विमान बनाने वाले कंपनियों पर हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने का दबाव बनता है।